नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। अगर भारत के इंडिया के कैपिटल दिल्ली में लॉकडाउन स्थिति ना होती तो मैं ऑनलाइन इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पेश नहीं कर रहा होता। लॉकडाउन कोविड की वजह से नहीं लगा है। लॉकडाउन शब्द हम लोगों की वोकैबुलरी में एसेंशियली पैंडेमिक की वजह से आई। ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली में G20 समिट हो रहा है। G20 समिट में दिखाया जा रहा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए क्योंकि यहाँ की सरकार को डर है कि कहीं कोई विरोध या विद्रोह का कोई बैनर लेके खड़ा ना हो जाए या कुछ गतिविधि ना हो जाए। खैर, ये तो थी मेरी बात, लेकिन हम बात करेंगे G20 की, G20 समिट की, हिंदुस्तान के और ग्लोबल डिप्लोमेसी में, इतिहास में इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे हमारे बहुत ही पुराने मित्र प्रोफेसर अनुराधा चुनॉय, जो कई दशकों तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी इंटरनेशनल स्टडीज में, अभी भी अपने एकेडमिक करियर को परस्यू कर रही है। तो अनुराधा जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 2008 G20 ऑफिशियली एक्सपैंड हुआ, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट भी उसमें शामिल हुए। 1999 में G20 का गठन हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, 2008 में फिर से विकास हुआ। ये पिछले 15 साल में पहली बार हिंदुस्तान में समिट हो रहा है। ये 15 साल में हिंदुस्तान का एंगेजमेंट, G20 का विकास, इन सब चीजों के बारे में आपके बिल्कुल प्रेलिमिनरी किसी को एक इंट्रोडक्टरी आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? देखिए, पहले तो जो पूरे अंतरराष्ट्रीय के ठोक मामले, पॉलिसी इश्यूज, वो G7 करती थी। जो G7 कंट्रीज हैं वो वेस्ट, कलेक्टिव वेस्ट है, और जिन जो कलोनियल कंट्रीज थी, फिर पोस्ट कलोनियल कंट्रीज हो गई, लेकिन उनका जो जोर था, उनकी जो पकड़ थी ग्लोबल इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, पॉलिटिकल डिसीशंस पे, वो बहुत ज़्यादा था बाकी देशों के मुकाबले में। लेकिन दुनिया ने देखा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जिनको तो स्वतंत्रता 1946-47 के बाद मिली, पहले भारत, एशिया के कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर इजिप्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब जैसे बढ़ते गए, उन्होंने एक अपना ढीला गुट बनाया जो था नॉन अलाइंड, जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत अहम, उसमें हिंदुस्तान ने बहुत अहम लीडरशिप दी थी उसकी जी। लेकिन 2000 के बाद कुछ ऐसे देश जो बड़े देश थे, जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, वो टाइगर कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया के थे, भारत, उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी बाकी जिसे थर्ड वर्ल्ड या आप ग्लोबल साउथ कहते हैं उनके मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये हुई कि 2008 में एक बहुत सिवियर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और जहाँ जो पाश्चात्य देश हैं उनके बड़े बड़े बैंक ओवरनाइट गिरने लगे। तो इस मामले को देख के इन G7 कंट्रीज ने सोचा कि अब जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जो आप अपने में भी बात कर रहे थे, और उनके साथ ब्रिक्स की इमर्जेंस हुई कि हम अपना एक गुट बनाते हैं, क्योंकि ये जो G7 और ये पाश्चात्य देश हैं, ये हमें कोई आवाज़ नहीं उठाने देते ग्लोबल मैटर्स के बारे में। तो उन्होंने वो ब्रिक्स बनाने की उन्होंने कदम लिए। तो उस वक्त G7 ने थोड़ा एक्सपेंशन किया 2008-2009 में, और इन देशों को भी
इस G7 में उन्होंने वो ले आए। खास ये बात थी कि चीन इन 5 देशों से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने उन्नति कर दी थी, और पाश्चात्य देश पहले तो चीन के बिल्कुल साथ थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मतलब ग्लोबलाइजेशन में चीन उनका पार्टनर था अमेरिका का। जी जी जी। जब से मतलब 1979, 80s, 1990s वहां तो सब अमेरिका उनका पार्टनर था, तो उससे चीन का काफी फायदा हुआ। तो अब उन्होंने इन सारे देशों को, चीन को, भारत को, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इन सब को G7 में लाके, G7 की अलग भी मीटिंग होती है पर एक खास G20 की मीटिंग है, जहां पे कुछ बातें खासकर जो उनका एजेंडा है वो प्राइमरीली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एजेंडा होता है। ये G20 की फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन में है कि इकोनॉमिक एजेंडा होगा जिसमें वो बातचीत कर सकते हैं कि सारा ग्लोब, सारी दुनिया किस दिशा में जाए, और इसमें काफी अहम और काफी चुनी हुई बातें होती हैं। जी नहीं, मैं असल में देख रहा था, कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था, तो एक दो चीजें बहुत स्ट्राइकिंग लगी मेरे को। सबसे पहले तो जो खास मेरे को जो स्ट्राइकिंग लगी, चूंकि हम लोग एक तरह से हिंदुस्तान में पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं, तो 2008 में जब पहला समिट हुआ था और हिंदुस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उस समय यूपीए की सरकार थी और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए G20 की मीटिंग में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इन लोगों ने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले मुझे जो एक चीज जो मतलब बहुत ही नोटवर्दी लगता है कि एक तरफ जहां इन तीनों का पार्टिसिपेशन बहुत अहम था, हम देख सकते हैं कि कई बयान मिलेंगे जो बहुत एम्फेटिकली चिदम्बरम जी ने कही थी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कही थी, उसकी तुलना में 2023 में भारत सरकार की तरफ से जो भी बातें आ रही हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात में आ रही है। पूरा का पूरा दिल्ली में समिट हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंसान के पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए है। एक हमारे कुछ पत्रकार हैं, इन्होंने 12 किलोमीटर का एक दिल्ली में सड़क का स्ट्रेच में बैनर्स और होर्डिंग्स की गिनती की, तो कहीं 900 से ज्यादा ऐसे मिले कि जिसमें G20 समिट के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें से करीब 250 ऐसे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उसमें बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है। एक भी उनको बैनर, होर्डिंग या पोस्टर नहीं नजर आया जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेहरा नजर आता है। तो आपने डिप्लोमेसी को बहुत लंबे समय से ट्रैक किया है, इस तरह का पर्सनलाइजेशन और एक तरह से स्पेक्टिकल बना देना क्या कभी आपने देखा है? हाँ, मुझे पता है कि कहा जाता है कि 1983 में हिंदुस्तान में जब नॉन अलाइंड समिट हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उसके बाद कुछ महीनों के बाद हेड्स ऑफ कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट उनकी का भी समिट हुआ था नवंबर 1983 में, लेकिन शायद इस तरह का नहीं स्पेक्टिकल बनाया गया था और पर्सनल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या मेरा अनुमान सही है, और अगर सही है तो ये क्या दर्शाता है और इसके खतरे क्या है? देखिए, ये सही है क्योंकि जो भी दिल्ली की सड़कों में खासकर गया है वो देख रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के पोस्टर बार बार और नीचे G20 का छोटा सा सिंबल, G20 ये वो सड़क के ऊपर, अब सारी सड़कों पे और सारे मॉन्यूमेंट्स के आगे वगैरह। तो पाश्चात्य देशों में जहाँ मैं गई हूँ वहाँ ऐसे कभी भी नहीं मिलने को आता, और उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ये कलेक्टिव चीज़ होती है। लेकिन अगर आप चीन, नॉर्थ कोरिया या टर्की वगैरह में जाएं, तो अगर ऐसी मीटिंग हो तो उन तरीकों के देशों में ये ज़रूर मिलने को मिलेगा कि एक लीडर रशिया में भी, पर आजकल नहीं, सोवियत ज़माने में ऐसा दिखने को मिलेगा कि एक लीडर को बहुत प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
मुझे लगता है जो जिन लोगों को डेमोक्रेसी की आदत है उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि इस तरीके का प्रोजेक्शन, थोड़ा मतलब थोड़ा तो होना ही चाहिए, पर ये हद, थोड़ी हद होनी चाहिए, कुछ सीमा होनी लिमिट्स चाहिए, होने चाहिए। लिमिट्स, वो लिमिट्स मुझे लगता है थोड़े क्रॉस हो गए हैं। G20 के बारे में हम बात करें, आपने कहा था कि एसेंशियली ये एक आर्थिक मुद्दे पे हुआ था। अगर हम बातें जो देखें, अगर 2008 की मैं जो बात कर रहा था, तो उसमें मनमोहन सिंह ने 2008 में एम्फेसाइज किया था कि इंटरेस्ट डेवलपिंग नेशंस और उनके डेवलपमेंट के इंटरेस्ट पे फोकस होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंक्लूसिविटी बढ़ाई जानी चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में। चिदंबरम साहब ने कहा था कि G20 लेकिन किसी भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जैसा नहीं हो जाना चाहिए। तो इस तरह के मुद्दों को क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी थे, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो या अन्य हो, तो तब में और अब में क्या G20 के का जो मैंडेट है या ब्रीफ है उसमें विस्तार हुआ है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल बॉडीज हैं, सबसे बड़ी अहम बात जो है कि यूनाइटेड नेशंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी एक्टिविटी की वजह से उनकी इम्पोर्टेंस और उनका जो पर्पस है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं और ये आम लोग मतलब ये खास लीडर्स डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी इश्यूज हैं, चाहे WTO के या पेटेंट्स के या डेट के, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के। ये जो 2008 से इश्यूज डाले थे टेबल पे वो अभी भी हैं। कुछ मतलब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो बहुत धीरे बदलते हैं, पर जो वेस्टर्न देश हैं उन्होंने जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसमें ज़्यादा ढील नहीं दी, वो अभी भी इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं तो भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की कब से डिमांड है कि आप हमें भी ज़्यादा वोटिंग राइट्स दीजिए, आप हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप को एक्सपैंड कीजिए। आप अभी भी तो जो भारत ने उस वक्त रखा था, जिसका ट्रेडिशन न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर और नैम के पोजीशन से था, कि ग्लोबल साउथ के जो की आवाज़ है वो ये जो बड़े बड़े फोरम्स हैं उसमें ज़रूर आनी चाहिए, तो ये बातें ज़रूर आती हैं। लेकिन जो रिफॉर्म्स हुए हैं ग्लोबल आर्किटेक्चर पे वो तो इन चीज़ों को अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अभी भी जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है वो ज़्यादातर वैसे के वैसे ही है, जहाँ पे कलेक्टिव वेस्ट का ही कंट्रोल ज़्यादा है। हाँ, आजकल क्योंकि ब्रिक्स देशों की बात थोड़ी ज़्यादा चलती है, जी लेकिन वो सब भी ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं, वो सब भी चाहे IMF का रिफॉर्म चाहते हैं पर उनकी पॉलिसीज को मानते हैं। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक स्तर पर कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन कई मुद्दे जिनको हम कह रहे हैं कि डेट कैंसिलेशन, कुछ राहत मिले एग्रीकल्चर पे, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा वर्ल्ड बैंक और सब उनके लिए भी एक फंड करें, तो ये सब ऑन कंसिडरेशन पेपर पे तो है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। आपने ब्रिक्स का जिक्र किया। अभी हाल में ब्रिक्स का समिट भी हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि ब्रिक्स नेशंस का जो ग्रुप है उसमें एक्सपेंशन किया गया। उसी तरह से बात हो रही है कि G20 का भी एक्सपेंशन किया जाएगा और इस ग्रुप का विस्तार किया जाएगा। तो इस तरह से जो विस्तार होता है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये क्या इसके मैसेजेस क्या हैं इससे?
देखिए, एक तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन एक बहुत ही अहम और हिस्टोरिक एक्सपेंशन था कि खासकर देखिए जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, सबकी अलग अलग बात है। ईरान को पाश्चात्य देशों ने बहुत आइसोलेट करने की कोशिश की है इतने सालों के लिए, वो बार बार इनको डीमोनाइज कर रहे हैं, ईरानियन लीडरशिप उन पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो उनका ब्रिक्स में आना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो ईरान, एक तो वो सैंक्शंस के खिलाफ हैं और वो ये एक्सक्लूसिव क्लब्स के खिलाफ हैं, और वो जो देश उभर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो उनको ब्रिक्स में वो वेलकम कर रहे हैं। सिमिलरली सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, वो तो पाश्चात, मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं है, पर वो वेस्ट, खासकर अमेरिका, नहीं चाहता था कि वो ब्रिक्स में शामिल हो क्योंकि वो ब्रिक्स के काफी खिलाफ हैं, और क्योंकि उनकी हेजमनी जो है, उनका जो कंट्रोल है, उनको लगता है वो थोड़ा भी डाइल्यूट ना हो, तो वो तो ये एक्सक्लूसिव क्लब्स G7 जैसे चलाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल परिस्थिति बहुत बदल गई है, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें बाकी देश की भी आवाज आ रही है, उनकी पॉलिसीज का फर्क पड़ रहा है, वो एक इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं जा सकता चाहे जितना अमेरिका कोशिश करे। तो ये तो रही ब्रिक्स की बात। G20 में ये बात हो रही है कि भारत एक आगे करना चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन यहाँ का एक सदस्य बने जी। क्योंकि पूरे G20 में सिर्फ साउथ अफ्रीका अफ्रीका से सदस्य है और कोई देश नहीं। अनुराधा जी, समिट के दौरान एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है, वो है अफ्रीकन यूनियन का G20 में एंट्री, तो एक तरह से G21 हो गया। तो इस डेवलपमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि अफ्रीका, अगर उनकी आवाज को और रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उनकी आवाज को और बुलंदी से सुनाई देनी चाहिए, तो आप जरा बताइए इसके बारे में। मुझे लगता है भारत तो इस तौर से देखेगा कि ये उनकी सक्सेस हो गई जी, क्योंकि ये इशू उन्होंने शुरू से लिया है। भारत ने दो इश्यूज लिए थे, एक तो अफ्रीकन यूनियन G20 में एक परमानेंट मेंबर बन जाए, दूसरा भारत प्रोजेक्ट करना चाहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, और वो ग्लोबल साउथ मतलब सारे साउथ के देशों की इशूज को इंक्लूड करना चाह रहा है। तो ये एक तरीके से ये बात हल हो गई है, तो इसमें मतलब हमें मुबारकबाद देनी चाहिए अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को और G20 को, कि एटलीस्ट एक इशू में कंसेंसस से ये बात आ गई है। आपसे एक सवाल और ये है कि आपने अभी जिक्र किया यूक्रेन की, उसकी जो यूक्रेन को लेके जो विवाद चल रहा है, G20 के 15 साल के एग्जिस्टेंस में और उसके पहले 10 साल के करीब के एग्जिस्टेंस में, ये एक पहला ओकेजन है जब एक कोई सिक्योरिटी का इशू इतने मेजर तरीके से उभर के आया, जिसकी वजह से G20 के कॉमन स्टेटमेंट के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठाए गए। तो ये जो है कि इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी आने चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप बताएं कि आज की दुनिया में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है और जिसमें साइमल्टेनियसली कई सारे इश्यूज को हम लोग देखते हैं उभरते हुए, तो एकदम स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन शायद कर पाना मुश्किल होगा। बहुत लोगों को लगता है कि इनेविटेबल है कि सिक्योरिटी के मुद्दे भी उभर के आएंगे और हर देश को बात करना पड़ेगा, तो उसमें रशिया को, जो कि एक मेजर प्लेयर है यूक्रेन के पूरे युद्ध को एक तरह से फ्लैश पॉइंट तक लाने के लिए, तो उनको इसके बारे में बात करना पड़ेगा, ये लोगों के विचार। जरूर बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर, एक तो अगर इतनी पोलराइजेशन है कि वेस्ट और रूस के बीच में, कि अमेरिका और EU ये मानना भी नहीं चाहता कि नेटो एक्सपेंशन के वजह से रूस ने 20 साल उनसे विनती मांगी है, मन्नतें मांगी हैं कि आप
यहाँ पे मत एक्सपैंड कीजिए, और अगर एक्सपैंड कर रहे हैं कि हमें भी कुछ सिक्योरिटी गारंटीज दे। जी आप देखिए, अगर भारत के बिल्कुल बॉर्डर पे मिसाइल्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स लग जाए श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, कहीं भी, हम उनको इनको खतरा तो मान होगा ही। सकते? तो ये बात जरूर आ सकती है अगर इन देशों के बीच में कुछ बात हो सके। लेकिन अगर इतना ये अड़े हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है इससे हम रूस को खत्म कर देंगे कि ये बात कभी भी अपना सर ना उठा सकें, तो बातचीत से क्या हल होगा इस तरीके के फोरम में जहां पे इतने लोग शामिल हैं, इतना पब्लिक फोरम है, और अभी तक, कल तक तो कोई नेगोशिएशन की बात ही नहीं हुई, शांति की बात ही नहीं हुई। ये सारे देशों ने, चाहे चीन है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका ने, सब ने ये कोशिश की है उनको कहने के लिए बार बार कि आप एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करें, वो नहीं माने। रूस ने कहा है हम करने को तैयार हैं पर आप हमारी बात भी समझिए। तो अब ये सिक्योरिटी इशू यहाँ पे करने का ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा जी। तो इससे अच्छा कि और सिक्योरिटी, दूसरा सिक्योरिटी, किस तरीके की सिक्योरिटी, कई सिक्योरिटी के इश्यूज मेरे मानने में शामिल होंगे, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इनइक्वालिटी से जो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आती है, पॉवर्टी से जो इनसिक्योरिटी आती है, ये सब इश्यूज तो आएंगे ही। तो हमारा ये मतलब होना चाहिए कि हम समझाएं कि सिक्योरिटी सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी बॉर्डर के बीच में नहीं होती, ये बहुत एक हाइब्रिड मामला होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ों का भी डिस्कशन करें, और ज़रूर मुझे लगता है G20 को ज़रूर कहना चाहिए कि हम लोग एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाएं। हमें ये नहीं चाहिए कि हम एक देश को कंडेम करें। जी 20 देशों के बीच में वेस्ट की सिक्योरिटी के इशू का क्या मतलब है? वो चाहते हैं कि सब इनको एक को कंडेम करें। हम चाहते हैं कि आप सब मिलके कहो कि हाँ, कोई भी डेट आप लगाएं, आप उस दिन से एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करो जहाँ सारी पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो बात करें, और हमारी कोई प्री कंडीशन नहीं है। आपकी तो कंडीशंस हैं, अगर आप एक छोटा IMF लोन भी देते हो छोटी कंट्री को, बांग्लादेश को या कोई कोमोरोस को, जिनका प्रेसिडेंट आएगा, आ रहे हैं, जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट है, आप तो 10 कंडीशनैलिटीज लगा देते हैं। तो आप बिना कंडीशनैलिटी के बातचीत शुरू कीजिए और दूसरे की बात समझिए, और उसमें से कुछ निकलेगा तो G20 की वाह। मैं आपसे इस बात करते हुए पहले मैं 2008 में और उसके बाद 2009-10 जब तक यूपी की सरकार थी उसके बारे में थोड़ा बहुत बात किए। हम लोग आते हैं थोड़ा कार्यक्रम के अंत की तरफ। पिछले 9 सालों में 2014 से लेकर 2023 में NDA की सरकार, या जो बोलचाल की भाषा में बोली जाती है मोदी सरकार की, G20 के साथ किस तरह के मुद्दे पे फोकस किया गया, तो मैं सरसरी निगाह से मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री का जो भाषण जो हर 2014 ब्रिस्बेन से लेके बाली में पिछले साल 2022 में जो भाषणों के जो हाई पॉइंट थे, तो वो शुरुआत होती है ब्लैक मनी को लेके 2014 में, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल वोकैबुलरी थी उसमें ब्लैक मनी बहुत अहम रोल होता था। 10 साल बाद ब्लैक मनी की बात बहुत हिंदुस्तान में कम होती है, क्योंकि इसके बारे में शायद पॉलिटिकल डिलीवरी कितनी हुई है, उन सब चीजों के सवाल उठते हैं। तो अगर आप से मैं पूछूं कि पिछले 10 साल में आप हिंदुस्तान के और प्रधानमंत्री मोदी के G20 के साथ जो में आके जो मुद्दे पे उन्होंने फोकस किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उनका बारे में क्या असेसमेंट है आप? देखिए, G20 एक कंसेंसस फोरम है, और चाहे वो ब्लैक मनी पे उस तरीके से बात करते हैं, टैक्स हेवन्स और टैक्स अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और उसमें वो थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं।
एक्सट्रेडिशन के इशू पे, टैक्स हेवन के इशू में, क्योंकि ये जो आउटफ्लो ऑफ मनी है, इलीगल आउटफ्लो ऑफ मनी, और ये जो बड़ी कंपनियां भी ये करती हैं, उनको उन पे टैक्सेशन, कॉरपोरेट टैक्स, इंटरस्टेट टैक्स, पर एट द सेम टाइम ड्यूअल टैक्स ना हो, तो ये जो लीगल इश्यूज हैं इकोनॉमिक लॉज बनाने के लिए, उसमें तो ज़रूर बातें बहुत अहम से हो रही हैं पिछले 2008-09 से अब तक। लेकिन ये भी कहने की बात आप सही कह रहे हैं कि जो रोल G20 ने 2008 और 2009 में प्ले किया था, उसमें काफ़ी डाइल्यूशन आ गई है, और कुछ लोग का मानना है कि ये ज़्यादा एक टॉक शॉप के जैसे हो गया है, और ज़्यादा इसमें से अभी कुछ नहीं निकल रहा। हाँ, ये स्टेटमेंट्स निकलती हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुश्किलें हो रही हैं। हाँ, एक ग्रुप है कनाडा टोरंटो में जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स निकालता है हर साल जी। और वो उनका कहना है कि ये जो कंप्लायंस होता है, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके मुताबिक वो देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। इनमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं। नहीं तो अभी तो मुझे लगता है G20, क्योंकि दो मेजर लीडर नहीं आए, उनके अपने अपने रीजन से नहीं आने के लिए, लेकिन G20 की जो आवाज है वो पहले जैसे नहीं रह रही। अब जब तक ये मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं एस्टैब्लिश होगा और यूक्रेन का मुद्दा नहीं ख़त्म होगा, और चीन के खिलाफ जैसे वेस्ट में हो रहा है जी। तो चीन का लीडर उनसे बहुत नाराज है, खासकर बाइडन से, तो मुझे लगता है इसीलिए वो नहीं आया, भारत के वजह से नहीं, वो अमेरिका के वजह से नहीं आए मोस्टली। तो इसीलिए G20 चाहे उनके प्रीमियर, और ज़रूर एक कम्युनिके में देखेंगे कि कई छोटे मुद्दे पे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी निकलेंगी, लेकिन अब ये इसका डिस्कशन जब कम्युनिके आएगा फिर कर सकते हैं, उसके बाद ही करेंगे। लेकिन आपने एक बहुत अहम बात कही कि G20 पहले जिस तरह का रोल अदा कर रही थी, जिस तरह के उसकी डायलॉग और डिबेट जो बातें होती थी, उस तरह का भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत डाइल्यूशन हुआ है। आखिरी सवाल आपसे, हिंदुस्तान की प्रेसिडेंसी रही जिसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की भारत सरकार ने कोशिश की, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको प्योरली डिप्लोमेसी और बाकी एरियाज में हिंदुस्तान की पिछले 10 महीनों में जो प्रेसिडेंसी के दौरान जो कुछ उनकी एक्टिविटीज रही, जो 200 के करीब मीटिंग्स किए गए, उसके बारे में आपका क्या असेसमेंट है? मुझे लगता है जो एक तो आप अगर सिर्फ G20 की बात कर रही है, ये जो कुछ टेक्निकल मीटिंग्स जो रही, जैसे विमेन, औरतों का रोल बढ़ना चाहिए पॉलिटिक्स में, या सोलर अलायंस, या क्लाइमेट, कुछ चीज़ें थोड़ी बढ़ी, पर मुझे लगता है जो जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हुए, उसमें कुछ अच्छी चीज़ नहीं निकली। सोलर अलायंस अब बढ़ रही है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिनमें अच्छा चेंज, मतलब थोड़ी थोड़ी चेंज आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा अच्छा चलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये रहा कि शायद हिंदुस्तान अगर चाहती और थोड़ा और इंटरेस्ट या फिर कुछ और प्लान करके कर सकती तो शायद अपने प्रेसिडेंसी को ज्यादा बेनिफिशियल ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कर पाती। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अनुराग जी आपने मतलब बिल्कुल एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में G20 भारत का रिश्ता G20 से किस तरह से इवॉल्व हुआ है, क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या कमियां रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बिल्कुल खुल के बात किया, इसके वजह से इसके लिए हम आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया।